हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सब लोगों ने अब तक पढ़ा है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आपने वेट और मास पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं समिटअप। समिटअप में आज आप पढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम। ओके, तो वर्ड्स प्रॉब्लम कितने बच्चों को आते हैं? सभी को आते हैं, क्योंकि मैं तो वर्ड्स प्रॉब्लम आपको 9.4 में करा चुकी हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप अपनी अपनी बुक ओपन, नोटबुक ओपन कीजिए एंड पेंसिल। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लस, सेकंड क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड क्वेश्चन भी सब्ट्रैक्शन है। बच्चों यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिए हैं 4, 5 एंड 6। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर बी हैं, जिसमें आपको 1, 2, 3 बुक में फिल करना है और इनको भी आप बुक में फिल करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर सी वर्ड्स प्रॉब्लम को आप अपनी नोटबुक में कीजिए। ओके, किस में करना है बच्चों? नोटबुक में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले चलिए शुरू रीड करते हैं क्वेश्चंस। क्या करेंगे, क्वेश्चंस रीड कीजिए। मैरी बॉट 16 kg ऑफ ब्राउन राइस एंड 22 kg ऑफ पॉलिश राइस। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ राइस पॉट? कैसे करने हैं बच्चों? ये टोटल यानी दिए गए क्वेश्चन में टोटल वर्ड आए, इट मीन्स ये प्लस का है और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों इस तरीके से वेट ऑफ ब्राउन राइस एंड वेट ऑफ पॉलिश्ड राइस। ब्राउन राइस कितने केजी है? 16 kg एंड पॉलिश राइस इज 22 kg। तो टोटल वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू 16 + 22 kg। दोनों को प्लस कर दीजिए बच्चों, और प्लस करते समय प्लस का साइन लगाना मत भूलेगा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, मैरी बॉट 38 kg ऑफ राइस। तो उन्होंने कितना राइस खरीदा है? 38 kg। ओके, जिस प्रकार से हमने इसमें सॉल्व किया है, बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 में जयंत बॉट 45 kg ऑफ वीट एंड सोल्ड 122 kg टू माला। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वीट रिमेनिंग विद जयंत? तो बच्चों जयंत ने क्या खरीदे हैं? वीट। वीट कितने के जी खरीदा था? 345। एंड माला को उन्होंने सेल कर दिया कितने के जी? 122। तो अब माला को इन्होंने 122 सेल कर दिया, तो अब कितने बचे हैं वीट इनके पास? यस, तो अब आपको यानी जब लेफ्ट जिस वर्ड जिस भी क्वेश्चन में लेफ्ट जैसे शब्द आते हैं या रिमेनिंग जैसे वर्ड आते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन उन क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। क्या किया जाता है? यस, जिन क्वेश्चन के में दिए गए क्वेश्चन में यदि टोटल वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है हम क्वेश्चन को प्लस करते हैं, जबकि लेफ्ट रिमेनिंग जैसे शब्द वर्ड आते हैं तो उससे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले करना है क्या बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप क्या लिखेंगे, जयंत बॉट 345 वीट एंड सोल्ड 122 kg वीट। वेट ऑफ वीट लेफ्ट विद हिम। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वीट लेफ्ट विद हिम 345 kg माइनस 122 kg। सब्ट्रैक्शन करिए बच्चों, जितना आंसर आता है तुरंत सेंड कीजिए। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया, और बच्चों चैप्टर 9 में आपका समिटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद फिर इसका हम टेस्ट लेंगे। ओके,
चलिए सबसे पहले आप लोगों को ये वर्क कंप्लीट करिए और हमें सेंड कीजिए टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।